वेलकम टू क्लास नर्सरी. हाउ आर यू ऑल? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. स्टे होम, स्टे सेफ. कोविड के डेज चल रहे हैं नर्सरी क्लास, तो होप कि आप अपना बहुत ख्याल रखते होंगे, बाहर ज़्यादा नहीं जाते होंगे घर से, और अपनी स्टडी को भी आप फोकस कर रहे हैं. मेरी ऑनलाइन क्लास, जितनी भी मैंने प्रीवियस जितनी क्लासेस आपको करवा दी हैं, आपने उनको देखा होगा. होप कि आपने ऑनलाइन जो मेरी क्लासेस को देखते हुए अपने लर्निंग नोट्स भी कंप्लीट किए होंगे. अब हम आज जो उर्दू की क्लास है उसमें हम अपना हरूफ तहजी का लास्ट लेटर यानी सेसा कंप्लीट करेंगे. लेट सी, ओपन द उर्दू पोर्शन. हम उर्दू का पोर्शन ओपन करेंगे कि आज हमने अपनी ऑनलाइन क्लास में हमने क्या पेज कंप्लीट करना है, उस पेज में हमारा क्या लेक्चर है. जी, हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो है पेज नंबर 40, और उसमें हमने कंप्लीट करना है अपना हरूफ तहजी बे फैमिली का लास्ट वर्ड सेसा. हमने क्या कंप्लीट करना है? सेसा. इसमें यहाँ सेसा से रिलेटेड एक वन पिक्चर है. यहाँ आपको क्या शो हो रहा है नर्सरी क्लास? ये क्या है? समर. और हम समर किसे कहते हैं? ज़्यादा सारे फ्रूट्स को. देखें, यहाँ पे एप्पल भी है, मैंगो भी है, ग्रेप्स भी है, और यहाँ पे एक डिश है जिसमें ये सब कुछ रखा हुआ है. तो ये सब मिलके क्या बन जाते हैं? समर. ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? समर. हम इनको वन बाय वन नहीं रीड करेंगे, हम इनको पढ़ेंगे सेसा समर. जैसे यहाँ आप अलग अलग इनको रीड नहीं करना आपने, जैसे केला, सेब, अंगूर, ऐसे हम रीड नहीं करेंगे. हम पढ़ेंगे इनको सेसा समर. सेसा समर यानी फ्रूट्स. हमने आज सेसा की राइटिंग करनी है, और इसकी जो पिक्चर है पेज नंबर 40 की, उसे कम्प्लीट करना है कलरिंग के साथ. अब बोर्ड की तरफ चलते हैं, और वहाँ मैं आपको से की राइटिंग प्रैक्टिस करवाती हूँ. जी नर्सरी क्लास, लुक एट योर वाइट बोर्ड. हमारा आज का टॉपिक है लिखाई सेसा, और मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं मैंने आपके लिए मेक किए, और मैंने यहाँ आपके बोर्ड पे पेस्ट किए हैं, और हम इनको रीड क्या करेंगे? सेसा समर. समर में मैंने क्या, कौन सी पिक्चर लगाई है? यहाँ पे से सीन सा से सेब है, अलिफ मता से आम है, अलिफ आ अंगूर है. और जब हम इनको तीनों को एक साथ लगा देंगे, और हम सेसा से क्या पढ़ेंगे इनको? समर. समर होते हैं ज़्यादा सारे फ्रूट्स. सेसा समर. सेसा समर. चलिए जी, अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे. बेबा, मैंने आपको अपनी प्रीवियस जितनी वीडियोस हैं, बेबा, पेपा, तेता, और आज हम उसका लास्ट लेटर करेंगे सेसा. नर्सरी क्लास, आपको बे की जो शेप है वो तो मैंने सिखाई है ना आपको, अब तो आ गई होगी. हमने इसी तरह यहाँ पे स्टार्ट लाइन विद कर्व, स्लीपिंग लाइन एंड देन स्ट्रेट लाइन. ये हमारी बे की फैमिली मेम्बर है सेसा. लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि हमने इस पर डॉट्स मेक करने हैं इसके ऊपर. और कितने डॉट्स मेक करने हैं? 3 डॉट. हम कितने डॉट मेक करेंगे? 3 डॉट. हमारा ये क्या लेटर बन गया? सेसा. सेसा. अगेन राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगी. स्टार्ट टू फर्स्ट डॉट, स्लांट लाइन विद कर्व, स्लीपिंग लाइन एंड देन स्ट्रेट लाइन. नर्सरी क्लास, आपने ऐसे ही अपनी से की राइटिंग करनी है, और इस पर आपने डॉट मेक करने हैं 3 डॉट. हम तो 3 डॉट पे में भी लगाते हैं, लेकिन हम पे के कहाँ लगाते हैं 3 डॉट्स को? हम नीचे ये डॉट्स से के ऊपर लगाते हैं, और पे के नीचे लगाते हैं 3 डॉट. अगेन राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगी. स्लांट लाइन विद कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड मेक 3 डॉट्स. सेसा. सेसा. विच लेटर इज दिस? सेसा. स्लांट लाइन विद कर्व, स्ट्रेट लाइन. अब आपने इन 2 लाइंस को ज्वाइन करेंगे हम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा वर्ड? सेसा. हम इसके ऊपर 3 डॉट मेक कर देंगे, हमारा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा सेसा. सेसा. लास्ट टाइम इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी. स्लांट लाइन विद कर्व, स्लीपिंग लाइन एंड देन स्ट्रेट लाइन, मेक 3 डॉट्स. सेसा. सेसा. इसकी ओरल में रिवीजन करवाऊंगी. फर्स्ट में मैंने आपको करवाया था अलिफ आ,
अलिफ मद आ, उसके बाद हमारी बे की फैमिली स्टार्ट हो गई थी, बे ब पे प ते त टेट, और आज हमने इस फैमिली का लास्ट वर्ड रीड किया है, लास्ट वर्ड हमारे पास क्या है, सेसा समर। होप कि आज की वीडियो आपने बहुत पसंद की होगी और आपको बे की फैमिली आज कंप्लीट हो गई है, आपने इसकी रिवीजन भी करनी है, इसको राइट भी करना है आपने और इनको रीड भी करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ नेक्स्ट क्लास।